आज हम लोग जो ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं वो एनएक्स सॉलिड एज में 2019 के अंदर सरफेसिंग में बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम काफ़ी ऑप्शन ऑलरेडी पहले ही कवर हो चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सटेंड, स्प्लिट, स्टिच और इधर से कुछ और ऑप्शन देख लेंगे यहाँ से जो कर्व के हैं। तो सबसे पहले हम करना चाहते हैं एक्सटेंड, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऑर्डर मोड में कन्वर्ट किया और स्केच लिखे इस प्लेन पे। मैं एक स्केच बनाता हूँ, क्लोज करेंगे और इसके बाद सरफेस में जाके इसे कर दीजिए एक्सट्रूड, और ये मैंने एक्सट्रूड भी कर दिया। अब एक्सट्रूड करने के बाद में आपको ध्यान आता है कि आपकी सरफेस जो है वो किसी भी एज से आगे एक्सटेंड होनी चाहिए। तो एक्सटेंड कमांड यहाँ से लीजिए और कौन सी एज को, उस एज को क्लिक करेंगे और फिर एज को सिलेक्ट करने के बाद लेके जाइए, राइट क्लिक या एंटर करिए, उसके बाद ड्रैग करिए कितना आगे आप लेके जाना चाहते हैं। ये हमारा आ जाएगा फिनिश। यहाँ से फिर से एक्सटेंड, कौन सी एज को, इस वाली एज को लेना है और ओके करिए एंटर और कितना लेके जाना है क्लिक। तो ये एक्सटेंड कमांड है, सरफेस को आगे की तरफ एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करते हैं, तो ये मेरे पास एक बना हुआ है। फिर आता है स्प्लिट, स्प्लिट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इस सरफेस पे नीचे वाले प्लेन पे जाके एक स्केच बनाता हूँ और स्केच जो है मेरा कुछ इस टाइप का हो गया। और अब इसे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर लेता हूँ मैं सरफेस में जाके, प्रोजेक्ट हमने पहले भी किया था। इस कर्व को एंटर, इस सरफेस पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और राइट क्लिक और डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो इसका इंप्रेशन जो है, प्रोजेक्शन जो है वो सरफेस पे आ जाएगा। अभी अगर आप जाएंगे और चेक करेंगे तो पूरी सरफेस एक साथ सेलेक्ट हो रही है, पूरी एक ही सरफेस है। इसे स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट लेंगे, सेलेक्ट करिए सरफेस को, एंटर करेंगे और कौन सा वाला कर्व, इस कर्व के अबाउट और ओके और फिनिश। तो ये हमारी दो सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो हाईलाइट भी करेगा और अगर आप इसे ऑफसेट करेंगे तो ऑफसेट भी आधी सरफेस ही सेलेक्ट होगी जो कि आपने सेलेक्ट करी हुई है, जो स्प्लिट हो गई है। तो यहाँ से आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा स्प्लिट हो चुका है। अंडू, अंडू और प्रोजेक्ट को भी मैं अंडू कर देता हूँ, प्रोजेक्शन भी नहीं चाहिए। अभी मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना है इस सरफेस को, एंटर विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, ओके। तो प्लेन के रिस्पेक्ट में भी आप इसे कट कर सकते हैं, ये इधर की सरफेस जो है हमारी अलग हो जाएगी और इधर की सरफेस अलग हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं स्टिच, स्टिच क्या काम करेगी, सपोज़ नहीं इस पर तो हो नहीं पाएगा, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। ये मैंने कुछ बना रखा है और मैंने क्या लिया, यहाँ से बाउंड्री लिया और बाउंड्री लेके इस कर्व को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ से फिल हो गई है। लेकिन फिल होने से क्या हुआ कि यहाँ पे ना दो सरफेस हो गई, एक सरफेस ये है हमारे पास, एक सरफेस ये है और एक ये सरफेस है। अब इन दोनों सरफेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा स्टिच्ड, स्टिच लीजिए, ओके करिए और सेलेक्ट करिए पहली सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये और एक ये भी, ये बीच वाला भी है कुछ जो हमने पहले एक्सटेंड करके ट्रिम किया हुआ। हम चाहते हैं सब कुछ आपस में ज्वाइन हो जाए और फिनिश, ये पूरा का पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और ज्वाइन हो गया है। अगर इसे आप चाहते हैं कुछ कलर वगैरह अप्लाई करना तो पार्ट पेंटर से जाइए और पार्ट पेंटर से जाके जो भी आपको लगता है यहाँ से उसे सेलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई हो जाए ये हमारा पूरे ऑब्जेक्ट पे एक साथ, क्योंकि पूरा का पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है, एक सिंगल बॉडी बन गई है। तो यहाँ पे सरफेसिंग में आते हैं, हमारा हो गया है एक्सटेंड, स्प्लिट, स्टिच, ये तीन कमांड हमने अभी करी है।